हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट लॉ के बात के टॉपिक को। कुछ छोटी छोटी बातों को हल्का सा क्विक रिवाइज कर लीजिए। पहला पॉइंट, फर्स्ट लॉ के अंदर ये कहा गया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को कभी भी चेंज नहीं कर सकता अगर उस पर नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग रहा हो। मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वही स्टेट रहेगी अगर उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा है। सेकंड पॉइंट, जो फर्स्ट लॉ है वो कभी भी आपको फोर्स की अमाउंट कैलकुलेट करना नहीं सिखाता, बस वो ये बता रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई चेंज आ रहा है तो इसका मतलब उस पर फोर्स लग रहा होगा। इसीलिए फर्स्ट लॉ को ऑल्सो हम लोग क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। देन इम्पॉर्टेंटली थर्ड पॉइंट, कई बच्चे अभी भी कन्फ्यूज हैं, मेरा थोड़ा सा उनसे डिस्कशन हुआ था कि सर एक क्वेश्चन जो आपने ग्लास टम्बलर वाला बताया है ये एनसीईआरटी के अंदर इसका आंसर इनर्शिया दिया हुआ है। बेटा देखो, मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन के लैंग्वेज में एक चीज़ है, वाई डस एनसीईआरटी ने भले लिख दिया होगा कॉइन फॉल, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो इनर्शिया ऑप्शन देना है तो उन्हें ग्रेविटेशनल पुल नहीं देना पड़ेगा। एक बात समझिएगा, कॉइन जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से कॉइन अपनी रेस्ट पोजीशन पे रहना चाहेगा, मतलब वो कॉइन जो यहाँ रखा है ये यहीं रहना चाहेगा। लेकिन यहाँ से क्या हो गया है, हमने कार्डबोर्ड को स्ट्राइक किया था, कार्डबोर्ड हट गया, ये कॉइन तो यहीं रहना चाहेगा, ये ड्यू टू इनर्शिया है। लेकिन ये यहाँ से नीचे क्यों गया, क्योंकि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स किसका है, ग्रेविटी का है। हाँ, इस कॉइन का अपनी पोजीशन पे रहना ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिस जगह था वहीं रहना, लेकिन इस कॉइन का नीचे मूव करना ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। तो बेटा ऑप्शन के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन के कॉम्बिनेशन में कहीं पे ग्रेविटेशनल पुल नहीं दिया है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मैंने लास्ट क्लास में भी ये बात बताई थी। लेकिन ऑप्शन में ग्रेविटेशनल पुल है और क्वेश्चन में ये बोला है व्हाई डू कॉइन फॉल, फॉल के नीचे क्यों गया, नीचे की तरफ क्यों गया, नीचे की तरफ गया होगा तो नीचे कोई फोर्स लगा होगा एक्सटर्नली, वो होगा ग्रेविटेशनल पुल का। ओके, और अगर ये बोलते कि व्हाई डस कॉइन डजंट मूव विद द कार्डबोर्ड, वहाँ तो एक क्लियर है कि वो कार्डबोर्ड के साथ क्यों नहीं गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो एकदम एग्जैक्ट हो गया क्वेश्चन। तो बेटा बारीकी वाइज क्वेश्चन आ जाता है, वैसे एनटीएससी वालों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। नॉर्मल सेक्शंस में ग्रेविटेशनल पुल का सेक्शन बहुत रेयरली दे, बट दे कैन गिव, कॉन्सेप्ट यही कहता है। सेकंड लॉ में पढ़ेंगे तो आपको और चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक टर्म है जिसे कहा जाता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, देखो बेटा मोमेंटम का मतलब है कि किसी फोर्स का इम्पैक्ट कैसा है, कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है तो उसका प्रभाव कैसा आएगा उस ऑब्जेक्ट पर, उस पर ज़्यादा आएगा कम आएगा, उसी चीज़ को हम मोमेंटम कहते हैं। इसे कई जगहों पे मेजर ऑफ मोशन भी कहा जाता है, ठीक है। अब ज़रा समझते हैं मैथमेटिकली क्या है, व्हाट इज़ अ मोमेंटम। डेफिनेशन में कई जगह दिया जाता है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, डेफिनेटली मैथमेटिकली इट इज़ एम इन टू वी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी, एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकंड। मोमेंटम सिग्निफाइज इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इन ए गिवन टाइम, कि एक गिवन टाइम में कितना इम्पैक्ट आ रहा है, प्रभाव कितना आ रहा है। ज़रा समझना तीन केसेस से, कि जैसे ये तीन केसेस शायद मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ, शायद रिपीट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तीन केसेस, जैसे कि एक मास है 2 kg, एक मास है 5 kg, एक मास है 10 kg, इन तीनों को 5 meter per second की वेलोसिटी से फेंका जाता है। आपको इन तीनों बॉल्स को रोकना है या फिर समझ लीजिए कैच करना है, तो किस बॉल पे आपको ज़्यादा चोट लगेगी, तो वो आएगा जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इम्पैक्ट देगा आपके हाथ के ऊपर उस टाइम ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं सभी के मोमेंटम को कैलकुलेट करते हैं, मोमेंटम इस मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, थ्री केसेस के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ अभी मैं फिलहाल, इसका मैग्नीट्यूड 10, इसका 25, इसका 50, सबसे ज़्यादा मोमेंटम इसका आ रहा है। तो
इसे रोकने में आपके हाथ के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, फोर्स का प्रभाव आएगा। अब रोकते वक्त आप कर क्या रहे हो, मोमेंटम को चेंज कर रहे हो, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं इसके पास सबसे ज़्यादा मोमेंटम है फॉर ए गिवन टाइम, एक गिवन टाइम पीरियड के लिए इसके पास सबसे ज़्यादा मोमेंटम है। अब बात करते हैं यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ, टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। देखो हर्ट होना ये सब चीज़ें फोर्स से रिलेटेड हैं, तो इसका मोमेंटम सबसे ज़्यादा है। रोकते वक्त आप मोमेंटम जीरो करोगे तो मोमेंटम में चेंज करोगे, और मोमेंटम के चेंज एक गिवन टाइम के लिए किया जाएगा, तो वो चीज़ ही आपका सेकंड लॉ आ जाएगा, दैट इज़ अ फोर्स। डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्योंकि अभी तक फोर्स इंट्रोड्यूस नहीं किया था तो हम फोर्स को नहीं बता रहे थे। अब मोमेंटम समझाया है तो अब फोर्स पर आते हैं, उससे ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से कोरिलेट होगी। टोटल अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है और वो जो कि एक्सटर्नल होना चाहिए, वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, विद टाइम। वैसे रेट का मतलब टाइम के साथ ही होता है, कई बुक्स में एग्जैक्टली लिखता है, वो ज़्यादा बेटर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर भी हो जाता है। वैसे अपने आप में रेट लिखने का मतलब टाइम के साथ चेंज को कहा जाता है। नाउ फोर्स इसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल एक्चुअली ये जो है ये सेकंड लॉ है, ये आया ऐसे है, ये दो फैक्टर से आया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के चेंज से, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम से। मतलब ये है कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स को इनक्रीज करना है तो दो तरीके हैं, एक मोमेंटम के चेंज को बढ़ा दिया जाए और एक है टाइम ड्यूरेशन को कम किया जाए। एक छोटी सी चीज़ से एग्जांपल को समझना, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो हो गई है करीब, आप ऐसा मान लीजिए 2000 किलोमीटर पर आर, ठीक है, और इसे 2000 किलोमीटर पर आर होने में 20,000 आर्स का समय लग गया, ठीक है। अब क्या इसके मोमेंटम में, क्या इसके अंदर फोर्स इंक्रीज हुआ? तो आपने देखा कि मोमेंटम की बात करें तो वेलोसिटी का चेंज तो बहुत ज़्यादा हुआ है मान लिया, लेकिन टाइम भी इसने बहुत ज़्यादा ले लिया है, तो फोर्स इंक्रीज होने की बजाय एक तरीके से उतना ही या डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चेंज आपके मोमेंटम में हुआ है उसे होने में बहुत लंबा समय लिया है, ठीक है। अब हम बहुत कम वेलोसिटी के चेंज से भी फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग द टाइम, तो कम समय में ज़्यादा चेंज करा दो तो वो कहलाएगा आपका इंक्रीज इन फोर्स, ठीक है। दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, फोर्स डायरेक्टली इनवर्सली, ठीक। इन चीज़ों को आप समझिएगा, जैसे आप इसके कॉन्सेप्ट को समझना है एक एग्जांपल से समझते हैं। एक क्रिकेटर ने बॉल को हिट किया बहुत फास्ट, बहुत तेज हिट किया, चलो मान लेते हैं कोई फास्ट हिटर जो है उस किसी एक क्रिकेटर ने हिट किया, कोई भी आप कंसिडर कर लीजिए। अब उस बॉल को जब एक फील्डर कैच करता है तो अपने हैंड को पीछे की तरफ ड्रैग कर रहा होता है। देखो तो बॉल की वेलोसिटी तो हिट होने के बाद जिस वेलोसिटी से आ रही है वो तो उसी से आएगी, और कैच करना मतलब उसकी वेलोसिटी कैच कब होगी, जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो मोमेंटम का चेंज तो फिक्स है क्योंकि बॉल का मास भी नहीं बदल रहा, ठीक है। वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आपके पास आएगी वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो तो वही रहने वाली है, लेकिन आप उसे कैच करके ज़ीरो करोगे। अब ज़ीरो करने के तरीके दो, कई लोग क्या है कि टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट को इनक्रीज़ करने के लिए अपने हैंड को बॉल जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन में ड्रैग कर लेते हैं, इससे टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट इनक्रीज़ होता है। टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट इंक्रीज़ हुआ तो फोर्स डिक्रीज़ हो गया, उनके हाथ पर चोट ज़्यादा नहीं लगेगी, ठीक है। सेकंड आ जाती है कि कई लोग अगर उस समय अपने हैंड को स्टिफ़ रख के वहीं पे कैच करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो कैच कर भी लेते हैं तो उनके हाथ पर चोट ज़्यादा लगेगी, बिकॉज उस समय टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट, जितने टाइम में आप उसके मोमेंटम को ज़ीरो कर रहे हो, मतलब जितना टाइम लेके आप मोमेंटम को ज़ीरो करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत कम है। कम होने से फोर्स बढ़ जाएगा क्योंकि चेंज इन मोमेंटम तो सेम ही होगा। इसे न्यूमेरिकली समझ सकते हो तो ऐसा ले लीजिए कि 1 kg की एक बॉल है,
और वो जो है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो मोमेंटम इनिशियली कितना हो गया आपका 5, समझिए कि मास ऑफ ए बॉल इज 1 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम जो है इनिशियली कितना हुआ, मास इनटू वेलोसिटी मतलब हुआ 1 × 5 दैट इज 5 kg मीटर पर सेकंड, ये आपका इनिशियल मोमेंटम हो गया। अब क्योंकि पर्सन उसे कैच करेगा तो उसकी वेलोसिटी को जीरो कर देगा, तो 1 × फाइनली वेलोसिटी जीरो, मोमेंटम जीरो। तो डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज़ 0 - 5 दैट इज़ -5। वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन है ना वो नेगेटिव वाली है, बिल्कुल बेसिक ही बात है, फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव वाली ही होगी। ठीक है, नेगेटिव में क्यों होगी अभी समझ जाएंगे। बेटा सेम डायरेक्शन में लग जाता अगर फोर्स तो वेलोसिटी बढ़ जाती, हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन का अभी सेंस नहीं देख रहे हम, फोर्स के मैग्नीट्यूड के ऊपर बात कर रहे हैं। अब इतना चेंज होगा, इस बॉल को कैच करने के लिए 2 प्लेयर्स आए, मतलब इसी वेलोसिटी से बॉल मूव कर रही है, 2 प्लेयर्स आए। पहले ने कैच किया इसे और उसने अपने हैंड को ड्रैग किया, और उसने क्या किया 5 सेकेंड तक अपने हैंड को पीछे की तरफ ड्रैग किया। तो फोर्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ अभी अभी पड़ा है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, चेंज इन मोमेंटम -5 टाइम इज 5, सर आ गया -1 न्यूटन, 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा। और दूसरे किसी पर्सन ने अपने हैंड को स्टिफ रखा, ड्रैग नहीं करा 1 सेकेंड लिए, फोर्स क्या हो जाएगा बेटा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, चेंज कितना था -5/1 कितना हो गया 5 न्यूटन। इसको 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस पर 5 गुना ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो हर्ट होगा ये पर्सन, बिल्कुल बेसिक सी बात है। अगले बात पे आते हैं, फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन ओनली अपॉन चेंज इन मोमेंटम, अपॉन है ये बेटा, ओनली अपॉन चेंज इन मोमेंटम बट ऑल्सो ऑन द टाइम इंटरवल इन विच चेंज हैज़ अकर्ड। कि फोर्स जो है सिर्फ मोमेंटम के चेंज पर नहीं डिपेंड करता, टाइम जितना लिया जा रहा है उस चेंज को करने पे उस पे भी डिपेंड करता है, और उसके ऊपर इन्वर्सली डिपेंड करता है। ठीक है, अब SI यूनिट बेसिकली केजी पर मीटर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जिसे हम केजी मीटर सेकंड की पावर -2, और इसी को न्यूटन कहा जाता है। ना फोर्स इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन, या फिर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही होगी, या फिर कहें जो मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वही होगी। एक स्पेशल केस हो जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट का मास नहीं बदल रहा है, तो हम फोर्स को m × a लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज अगर वेक्टर लिखना होगा तो मैं एरो लिखूंगा। अब बात ऐसी आती है कि देखो आपके दिमाग में आएगा कि बॉल फेंकी सर मास नहीं बदलेगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि फ्यूल से चलने वाली चीज़ें हैं जिनका मास जो है फ्यूल के जलने के साथ साथ कम होता जाता है, ख़ास तौर पर रॉकेट के केस में बहुत हैवी चेंजेस होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर हम लोग सेकेंड लॉ को ही लगाएंगे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इसके लिए मैंने लिखा ओनली फॉर द केस व्हेन द मास रिमेंस कांस्टेंट। अ कार ऑफ मास 1000 kg, अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, 1000 kg के मास की कार है जो मूव कर रही है 10 m/s से, इट इज़ एक्टेड अपॉन बाई ए कॉन्स्टेंट फोर्स ड्यू टू विच इट्स स्पीड इंक्रीजेस 2 in 1 minute। अगेन बात है, अगर फोर्स ऑब्टेन करना है तो टाइम होना चाहिए सेकंड्स में SI सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब इसमें देखो कार का मास बदल रहा है ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वैसे कहीं को दिमाग में आएगी कि सर कार का मास तो बदलेगा, बहुत डेफिनेट सी बात है क्योंकि फ्यूल है। कईयों के दिमाग में बेटा ये आएगा कि कार है तो ये तो फ्यूल से जल रही है तो फ्यूल, लेकिन जो कार के केस में वेरिएशन होता है विद द टाइम वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो हम ये जो फ्यूल वाले वेरिएशंस जो हैं ये रॉकेट प्रोपल्शन जेट प्रोपल्शन इनमें लेते हैं, और इसमें कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं देगा। तो कार के केस में जो हमारे ग्राउंड पे व्हीकल्स चल रहे हैं उनमें फ्यूल वाले कॉन्सेप्ट को ज़्यादा कंसिडर नहीं करना है, इन्फॉर्मेशन देगा भी नहीं। ठीक है, तो आपके लिए इस अकॉर्डिंग समझ में ये आता है कि मास कॉन्स्टेंट रहने वाला है तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं F=ma। ठीक है, और अगर बेसिक से करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक तो ये कहता है कि फोर्स इज
चेंज इन मोमेंटम विद अ गिवन टाइम, कितने टाइम में ये हो रहा है। तो मोमेंटम इनिशियली कितना है, इनिशियली मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनली कितना है मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। मास कितना था 1000, इनिशियली वेलोसिटी है 10, यू इनिशियल के लिए ले रहा हूँ मैं, फाइनली वेलोसिटी भी 40 से मल्टीप्लाई करा, ये आपका इनिशियल मोमेंटम। यूनिट अगर आप लिखोगे तो होगी केजी मीटर पर सेकंड, यहाँ भी केजी मीटर पर सेकंड यूनिट होगी। अब अगर फोर्स के फॉर्मूले में रखें तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, हम लोगों ने डेल्टा पी निकाल लिया, चेंज आया 30,000 किलो केजी मीटर पर सेकंड। टाइम जो है बेटा वो 1 मिनट था, सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी है बिकॉज टू ऑब्टेन ए फोर्स इन न्यूटन एसआई सिस्टम में ऑब्टेन कर सकें। तो डिवाइड करा इसे टाइम से, दैट इज 60 सेकंड, वी विल गेट अ 500 न्यूटन एज फोर्स। ओके, सो फाइनली हमें यहाँ से फोर्स की वैल्यू मिली 500 न्यूटन। सेकंड मेथड ये था, क्योंकि इस क्वेश्चन में मास कांस्टेंट रह रहा है तो एफ इक्वल टू एम ए लगा सकते हैं, और हमारे जो डेटाज हैं मतलब हमें मास तो पता है, ए चाहिए। डेटा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम है, और ए निकालना है, और ए क्या रहने वाला है इसमें। जब मास ही कांस्टेंट रहना है तो ए भी कांस्टेंट ही रहना है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने वाली है इसके अंदर। तो हम एक बार ए निकाल, इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए तो कांस्टेंट ही है, तो ए निकाल के देखते हैं फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, पुट कर दीजिए, वी विल गेट द एक्सेलरेशन एज 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास इंटू ए को पुट किया, आंसर आया 500 न्यूटन। तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे निकाल सकते हो, बट ओनली इन अ केस वेन द मास इज कॉन्स्टेंट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, शोएब बॉल्ड ए बॉल टू ए सचिन। अगेन यहाँ पे भी देखो इनर्शिया ऑफ मोशन कुछ याद आता है कि शोएब अख्तर बॉलिंग करने के लिए लंबा रनअप लेके आता है, ठीक है, लंबे रनअप के बाद बॉल के बाद वो कुछ दूरी तक चलता हुआ जाएगा। चलता हुआ क्यों जाएगा, अपने अपने मोशन को एकदम से वो स्टॉप नहीं कर सकता, बॉडी मोशन में आके है, मोशन में ही रहना चाहती है, और इस लंबे रनअप से ना हेल्प मिलती है, किसकी, देखिए फोर्स लगाने में हेल्प मिलती है। देखिए शोएब बॉल्ड अ बॉल टू ए सचिन एट अ स्पीड, इस स्पीड से बॉल करी, सचिन ड्रोव स्ट्रेट बैक टूवर्ड्स द बॉलर। बेटा देखो कई बार मैं बोलता चलूँगा, वेक्टर क्वांटिटी में चेंज निकालना हो या कोई भी चीज़ ऐड करनी हो, सब्ट्रैक्ट करनी हो, दोनों ही कॉन्सेप्ट में डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन का ध्यान जरूर रखिएगा, मतलब वेलोसिटी जैसा वेक्टर वैल्यू को रख रहे हो तो डायरेक्शन को ध्यान रखें। इफ द मास ऑफ ए बॉल इज 1 kg एंड द बॉल रिमेंड इन ए कॉन्टेक्ट फॉर 0.1 सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स एक्सर्टिंग, एवरेज फोर्स निकालना है, ठीक है। तो एवरेज फोर्स कैसे आएगा, यही अगेन नेट एक्सटर्नल फोर्स डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा पी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, मास कांस्टेंट है तो मैंने बाहर ले लिया, वी माइनस यू, वी वेक्टर एरो है, वेक्टर है, वी इज़ अ वेक्टर, तो वेक्टर की वैल्यू विद साइन लेनी पड़ेगी। अब आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर लीजिए, क्योंकि हमारे हाथ में है चॉइस करना, कि अगर राइट डायरेक्शन की मैग्नीट्यूड को हमने पॉजिटिव लिया तो लेफ्ट डायरेक्शन का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। उस अकॉर्डिंग हम जैसे पुट करते हैं तो आपका चेंज इन मोमेंटम -10 आया, ठीक। अब ये माइनस क्या शो करेगा थोड़ी देर में समझते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम वैल्यू आई फोर्स की 1000 न्यूटन, नेगेटिव फोर्स जो लग रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। खुद सोचिए, सचिन ने जो ये बॉल स्ट्रेट वापस से जो इसने बैक बोला ना, ड्रोव इट स्ट्रेट बैक टूवर्ड्स द बॉलर, बॉलर की तरफ फेंक दी, तो बॉलर वाली डायरेक्शन से जो बॉल आ रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, बिल्कुल वही चीज़ दिखा रहा है ये। बॉलर वाली डायरेक्शन तो ये थी, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, बॉलर की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, और ये सचिन ने जब बॉल को हिट किया तो ये डायरेक्शन आई, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई, ये नेगेटिव डायरेक्शन अपोजिट टू द बॉलर। अगली बात को समझिए, लीनियर मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी वैल्यू को हमेशा साइन के साथ पुट करना चाहिए। अगर एक डायरेक्शन पॉजिटिव है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव है, मतलब ऐसा भी है कि अगर मेरे मन में आए तो हम बेसिकली पहले की क्लासेस में जो साइन कन्वेंशन ले रहे हैं वो तो राइट में पॉजिटिव लेफ्ट में नेगेटिव, अगेन साइन कन्वेंशन ले रहे हैं, हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, चाहे तो इसे पॉजिटिव ले लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा,
ये साइन सिर्फ डायरेक्शन को दे रहा है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है बच्चों को कई बार, -1000 ना मिलके 1000 न्यूटन होगा, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, उसे साइन का नहीं बता रहा होगा। तो उस केस में सिर्फ मैग्नीट्यूड को देख के आंसर टिक कर दीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 लग रहा है तो उस दौरान हम कह सकते हैं कि उसका टोटल मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। सेकेंड लॉ से इसको डिराइव भी किया गया है, नेट फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। तो अगर हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो आपका मोमेंट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 हो तो मोमेंटम का चेंज कितना होगा, 0। तो चेंज इन मोमेंटम को फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर आएगा। बेसिकली इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, ऐसी जितनी भी प्रोसेस जिसमें कोलिजन होता है, दो चीज़ें आपस में टकराती हैं, उस दौरान हम इस चीज़ों को लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें कोलिजन के पहले की बात करें और कोलिजन की बात करें, इन दोनों कंडीशन के दौरान किसी तरह का नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को। एक बेसिक एग्जांपल आता है रिकॉइलिंग ऑफ गन, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। रॉकेट एंड जेट प्रोपल्शन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक छोटा सा कंसेप्चुअली देखते हैं, जैसे देखो बेटा एक गन है, इस गन के अंदर ये बुलेट लोडेड है, अभी तक इसको फायर नहीं किया गया, बुलेट को हमने यहाँ से चलाया नहीं है, ट्रिगर को दबाया नहीं है, तो बुलेट गन के अंदर है, गन आपके हैंड में है, गन का मास एम, बुलेट का मास स्मॉल एम। अब ये दोनों आपने हैंड में होल्ड कर रखा है, तो इनिशियली दोनों की वेलोसिटी क्या है, 0 है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 0, वेलोसिटी ऑफ गन इज ऑल्सो 0, क्योंकि दोनों रुके हुए। अब जैसे फायर किया गया तो बुलेट इस तरफ गई, गन इस तरफ गई, मास में कोई चेंज नहीं आने वाला। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, अगर ये पूरी कंडीशन इनिशियल है और ये पूरी फाइनल है, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। अप्लाई कर दीजिए इस कॉन्सेप्ट को, गन का मास इंटू इट्स वेलोसिटी प्लस बुलेट का मास इंटू इट्स वेलोसिटी। अब मैंने यहाँ वेरिएबल रखे हैं, मतलब अभी तक इनकी डायरेक्शन को पुट नहीं किया गया है, इसमें अननोन वैल्यू की जो साइन आएगा वही वैल्यू उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो हमने गन की वेलोसिटी जो है उसे रिकॉइलिंग वेलोसिटी कहते हैं, वो आएगी -mb/m। माइनस का मतलब जो डायरेक्शन बुलेट की होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन गन की होगी। वैसे वो मैंने यहाँ शो कर दिया है, लेकिन आपको यहाँ से भी ये चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेलोसिटीज़ वेरिएबल रखे हैं, वेरिएबल पे साइन पुट नहीं किया जाता, असाइंड वैल्यू और न्यूमेरिक वैल्यू पे ही साइन पुट किया जाता है, ठीक है। रॉकेट प्रोपल्शन ये दो, ये भी वर्क करता है किसके ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और मोमेंटम, ध्यान रखिएगा इस पर क्वेश्चन आ जाता है। जेट प्लेन्स क्या करते हैं, ये केमिकल या फ्यूल पे वर्क करते हैं, तो जब वो जलते हैं तो जो एग्जॉस्ट में गैस निकलती है बहुत हाई वेलोसिटी से बाहर आएगी। अभी एस्केप होने वाली वेलोसिटी अपना पूरा का पूरा मोमेंटम किसे प्रोवाइड करती हुई जाती है, इट इज़ प्रोवाइडिंग इट्स मोमेंटम टू द रॉकेट जेट प्लेन, और उस वजह से अगर रॉकेट होगा तो अपवर्ड मूव करेगा, जेट प्लेन है तो फॉरवर्ड मूव करेगा, ठीक है।